यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और वहीं बीजेपी ने जम्मू कश्मीर सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज ही दिल्ली में राज्य के सभी बड़े पार्टी नेताओं के साथ बैठक की, जिसके बाद बीजेपी ने समर्थन वापस लेने का फैसला किया है। बीजेपी ने समर्थन वापसी की चिट्ठी राज्यपाल को सौंप दी है। फैसले के बाद बीजेपी नेता राम माधव ने कहा कि हमने गृह मंत्रालय, जम्मू कश्मीर के 3 साल के कामकाज, सभी एजेंसियों से राय लेकर यह फैसला किया है, जिसके बाद यह तय हुआ है कि बीजेपी अपना समर्थन वापस ले रही है। राम माधव ने कहा कि 3 साल पहले जो जनादेश आया था, तब ऐसी परिस्थितियां थी जिसके कारण यह गठबंधन हुआ था, लेकिन जो परिस्थितियां बनती जा रही थी उससे गठबंधन में आगे चलना मुश्किल हो गया था। आज एक विशेष बैठक के निमित्त सबको दिल्ली बुलाया गया। जम्मू कश्मीर परिस्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई। हमने 3 साल पहले जो सरकार बनाई थी, बीजेपी पीडीपी गठबंधन की, जिन उद्देश्यों को लेकर बनाई थी, उनकी पूर्ति की दिशा में कितना हम सफल हो पा रहे हैं, इसकी विस्तृत चर्चा हुई। गृह मंत्रालय से, एजेंसी से, सबसे आवश्यक इनपुट्स लेने के बाद आज हमने यह निर्णय किया है कि यह गठबंधन सरकार में आगे चलना भाजपा के लिए संभव नहीं होगा।